हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंस्टेंट क्विक तंदूरी पिज़्ज़ा। आप इस पिज़्ज़ा को सिर्फ 3 मिनट्स में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बेस लिया है जो मार्केट से बहुत इजी अवेलेबल है। उसके बाद में हम इसके ऊपर स्पैचुला से लगाएंगे पास्ता पिज़्ज़ा सॉस और अच्छे से इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे मोमोज की चटनी। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके ज़रूर इस पिज़्ज़ा रेसिपी को ट्राई करें। आपका पिज़्ज़ा बेहद डिलिशियस और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी टैंगी बनेगा। ये हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर मोमोज सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर। आप पहले ग्रेटेड पनीर को यूज़ कर सकते हैं या पहले ग्रेटेड चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटेड पनीर डालने से बहुत ही डिलिशियस बनता है। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है ग्रेटेड पनीर। जब हम पिज़्ज़ा को रेडी करेंगे उस टाइम पे हम तंदूर को भी ऑन करेंगे, जिससे कि पिज़्ज़ा बनने तक हमारा तंदूर बिल्कुल रेडी हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी वेजीज। आप अपनी पसंद की वेजीज को डाल सकते हैं। हम ज़्यादा ओवरलोड वेजीज वाला पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा वेजीज वाला पिज़्ज़ा जो है इसकी वेजीज काफ़ी गिरने लगती हैं और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत ही ख़राब हो जाता है। ये वेजीज आपकी तंदूर में सब कुक हो जाएंगी, तो इसे आपको कोई कढ़ाई में पहले कुक करके पेस्ट बनाने की कोई नीड नहीं है। ये हमने वेजीज ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक डाल सकते हैं। हम इसमें ये एक पिंच जितना, एक चुटकी नमक इसके ऊपर डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब हम इस पर अपने अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये भी हमने एक चुटकी जितना ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने अमूल का चीज़ यूज़ किया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप चीज़ ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आपके बच्चों को चीज़ पसंद हो उतना चीज़ लगाएं। इसके बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे कॉर्न्स। ये बेबी कॉर्न्स हमने बॉईल कर लिए हैं। आप इन्हें प्रेशर कुक कर सकते हैं 4-5 सीटी लगा के। और अब हम इसमें डालेंगे ये मार्केट में मिलने वाले ऑलिव्स। यहाँ हमने ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में हम इसमें एक चुटकी लाल मिर्च डालेंगे। आप इस पे चिली फ्लेक्स भी ऊपर से बाद में ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स को सेट करेंगे। ये हमारा मिक्स वेज पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा अब तैयार है और हमारा तंदूर भी बिल्कुल तैयार है। अब इस पिज़्ज़ा को हम 1 मिनट या उससे भी कम में, क्योंकि तंदूर का टेम्परेचर काफ़ी हॉट है फ्रेंड्स, इसलिए ये 1 मिनट से भी कम में 40 सेकेंड में हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम तंदूर में सेट करते हैं। इसी तरह से हमने एक और पिज़्ज़ा को सेट किया है। बेस में हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, ऊपर हमने अच्छे से पिज़्ज़ा चीज़ को लगाया है, और इसमें हम लाइट वेजिटेबल्स लगाएंगे। पिज़्ज़ा चीज़ को नीचे लगाने से जब ये चीज़ मेल्ट होती है तो बहुत ही डिलिशियस टेस्ट आता है इस तरह से। और अब हम इसमें ऊपर से पनीर को ग्रेट करेंगे। ये हमारे दोनों पिज़्ज़ाज़ रेडी हैं और ये 1 मिनट के अंदर दोनों पिज़्ज़ाज़ बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये हमारा पनीर पिज़्ज़ा तैयार है। इस पे चाहे तो आप टॉपिंग्स के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक और काली मिर्ची ऊपर से ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें हल्की सी काली मिर्ची ऐड कर दी है
और दोनों पिज़्ज़ास हमारे अब बिल्कुल रेडी हैं। ये तंदूर हमारा एकदम तैयार है और अब हमने इसमें पिज़्ज़ा को रख देना है और पूरा 40 to 50 सेकेंड्स में हम इसे बाहर निकाल लेंगे। 40 सेकेंड्स हो चुके हैं फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा अब एकदम तैयार है और ये बहुत ही करारा है और सारी चीज़ें वेजीज, पनीर, चीज़ सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से सेक चुकी है और इसी तरह हम अपने दूसरे पिज़्ज़ा को भी सेक लेंगे। ये हमारा पनीर पिज़्ज़ा भी अब तैयार है और इसे अब हम सर्व करेंगे। ये हमारे दोनों पिज़्ज़ास बनके तैयार हैं। ये हमारा मोमो सॉस का पिज़्ज़ा है और ये बच्चों के लिए हमारा बिना मिर्च का पिज़्ज़ा है। हम दोनों में ही ओरिगैनो की टॉपिंग ऐड करेंगे। ओरिगैनो में कोई मिर्च नहीं होती है, ये बच्चे बहुत ईजीली खा सकते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है और एक पिज़्ज़ा में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स इस पिज़्ज़ा में और इसमें हमने ये डाल लिए हैं हमारे चिली फ्लेक्स और अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाना है अब बहुत ही आसान और अब आप अपने बच्चों के लिए घर में ही लो बजट और इकोनॉमिकल फ्रेंडली पिज़्ज़ा बना सकते हैं जो कि हेल्दी भी है और आपके बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस भी है। तो हमारी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पिज़्ज़ा बनके आपका 3 मिनट्स में प्रॉपर तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं, इसीलिए ये वीडियो को थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग होम कुक सीक्रेट्स। बाय बाय।